क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। IPL 2020 को आगे खिसकाया गया है और अब 14 अप्रैल तक लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, तो ऐसे में उम्मीद है कि अप्रैल के आखिरी हफ्ते से IPL की शुरुआत होगी और छोटा ही सही लेकिन IPL जरूर खेला जाएगा। अब इस बीच IPL में धोनी की CSK और विराट की RCB दोनों ही टीमों में खेल चुके ब्रेंडन मैकलम ने दोनों ही टीमों की पोल खोल दी है और साफ साफ बताया कि आखिर क्यों धोनी की टीम बूढ़े खिलाड़ियों के बाद भी सफल है और क्यों विराट की टीम स्टार खिलाड़ियों के बाद भी फिसड्डी। आपको बताते हैं सब कुछ, आप भी मैकलम की बात से कितना सहमत हैं कमेंट जरूर करें। तो न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ब्रेंडन मैकलम की गिनती दुनिया के दिग्गज विस्फोटक बल्लेबाजों में होती है और IPL इतिहास के पहले ही मैच में 158 रन के साथ सबसे बड़ा शतक लगाने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है। अब दिल्ली पहुंचे मैकलम ने IPL में कई टीमों से खेला है जिसमें KKR, RCB और CSK भी शामिल है और मैकलम ने बताया कि आखिर क्यों CSK की टीम इतनी सफल है और क्यों विराट की टीम हर बार फेल होती है। मैकलम ने बताया कि चेन्नई सुपर किंग्स में हर खिलाड़ी की इज्जत होती है। मैकलम ने कहा CSK की टीम और उनके कप्तान धोनी अपनी टीम को लेकर वफादार हैं और अपनी टीम पर पूरा भरोसा करते हैं। CSK जिन खिलाड़ियों को चुनती है उन्हीं के आधार पर परफेक्ट रणनीति बनाती है और इसीलिए उम्रदराज खिलाड़ी होने के बाद भी CSK सबसे खतरनाक टीम नजर आती है। वहीं मैकलम ने विराट कोहली की RCB की बात करते हुए कहा कि RCB में बिना बात का शोर होता है हर बार, या कहें कि बार बार दूसरी टीमों का उदाहरण दिया जाता है। टीम को परफेक्ट बनाने के लिए बस शोर होता है लेकिन कोई प्लानिंग यहाँ नहीं होती और हर बार खिलाड़ी बदलने पर जोर दिया जाता है। जो खिलाड़ी टीम में होते हैं उन पर कभी भी भरोसा नहीं किया जाता और इसीलिए बड़े बड़े स्टार खिलाड़ियों के बावजूद RCB की टीम हर बार फिसड्डी रह जाती है। अब मैकलम ने दो टीमों की तुलना की लेकिन ये तुलना सीधे सीधे भारत के दो महान कप्तानों के बीच भी हो गई। तो आप मैकलम की बात से कितना सहमत हैं कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।